गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड है हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। देखना, इसके अंदर जो आपका पहला यूनिट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग तीन टॉपिक पढ़ोगे, जो आपके स्टार्टिंग के सिलेबस के तीन टॉपिक है। पहला है कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तीसरा जो भी है हमारे पास, हमें एक मतलब रेफरेंस जो है हमारे पास, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले जो अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसके शब्दों के बारे में और उसकी ज़रूरत के बारे में ना सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें उसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो वर्ड है यांत्रिकी, या मैं जिसे कह दूँ मैकेनिक्स, ये होता क्या है। देखो, मैकेनिक्स जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट, मतलब कोई भी मैकेनिकल या कोई भी भौतिक चीज़ जब हो रही होती है ना, कोई भी भौतिक चीज़ या कोई भी जैसे आप मशीनों की बात करते हो, है ना, मशीनों की अगर आप बात कर रहे हो तो मशीनें क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। मशीनों में कोई ना कोई गति हो रही है, मशीनें कुछ ना कुछ कर रही है ना। सिलाई मशीन है तो वो इस तरीके से मूव कर रही है, तो उसमें क्या हो गया है, उनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की मूवमेंट की स्टडी करते हो, ठीक है ना, मूवमेंट की स्टडी करते हो, तो उसे हम कह देते हैं यांत्रिकी, मतलब यंत्र के रूप में कोई काम हो रहा है। तो जब भी आप स्टडी ऑफ मूवमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी मैटर, जब भी आप किसी भी मैटर के मूवमेंट की स्टडी कर रहे हो तो उसको हम कह देते हैं मैकेनिक्स, ठीक है ना। अब मैकेनिक्स जो है वो हमारे पास, हमने दो तरीके से देखा है। देखो, पहला जो होता है वो हमारे पास रहता है चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी, जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, या फिर मैं कह दूँ क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर क्वांटम यांत्रिकी कह दूँ, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास ये है, चिर सम्मत यांत्रिकी होती क्या है। वैसे आपके सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि चिर सम्मत या फिर क्लासिकल कह लूँ, क्लासिकल सॉन्ग्स मतलब ओल्ड सॉन्ग्स, मतलब ये जो चीज़ है ये हमारे पास सारी पुरानी है। मतलब जो स्टार्टिंग में जब हमने मैकेनिक्स की स्टडी करना शुरू किया था, जब अपने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स को पढ़ना शुरू किया था, तो जो भी पुराने जो नियम दिए गए थे, जो पुरानी बातें बोली गई थी, या फिर कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो नए जो पुराने लोग आए, उन लोगों ने जो जो बातें बोली ना, वो सारी की सारी हम स्टडी कर लेते हैं किसके अंदर, चिर सम्मत यांत्रिकी के अंदर, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उसका स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, तो ये सारा चिर सम्मत यांत्रिकी था जो कि हमको क्या बताती थी, वही पदार्थों के स्टडी ऑफ द मोमेंट ऑफ मैटर के बारे में हमको चिर सम्मत यांत्रिकी बताती थी, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जिनको ये नहीं बता पाई। जैसे कि कैसे, जैसे जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, है ना, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो ये नहीं बता पाई कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो ये किस तरीके से घूमता है, और अगर ये घूम रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होके आकर्षणों के अंदर चला जाना चाहिए था, तो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में नहीं बता पाई। इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई तो उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाई। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, अगर आपने पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप कहीं पर भी रख दो, वो खुद ही कोई ना कोई विकिरण को या फिर किसी ना किसी रेडिएशन को इंपार्ट करते रहते हैं हमेशा उनसे। मतलब ये अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये खुद ही कोई ना कोई एनर्जी जो है या फिर कह लो ऊर्जा जो है वो क्या करता है, बाहर निकालता रहता है ना। तो इस टाइप के एलिमेंट्स है वो ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं, क्यों ये एनर्जी निकाल रहे हैं, क्यों भाई एनर्जी निकल रही है तो क्यों निकल रही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाई। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट, हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया चिर सम्मत यांत्रिकी में। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि उसके बाद कॉम्पटन के बाद अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण आप लोग पढ़ोगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस में वापस अंदर क्यों नहीं चला जाता है घूमते घूमते, क्योंकि बीच में पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये इसके अंदर क्यों नहीं चले जाते, इसके बारे में इन्होंने बात की, ठीक है ना। तो बात ये है कि इन सब की बातें, इन सब का एक्सप्लेनेशन पुरानी थ्योरी हमें नहीं दे पाई, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ हमने गमन कर गए हम, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के शब्दों की तरफ देखना एक बार। मैकेनिक्स जो है वो तो वही वर्ड है, पदार्थों के गति का अध्ययन हम करे जा रहे हैं, पदार्थों के मोशन का हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास हो गया मैकेनिज्म, ठीक है ना, मैकेनिक्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम की। क्वांटम तो आप देख लो,
क्वांटम वर्ड जो बना है वो बना है क्वांटा से, क्वांटा वर्ड से बना है क्वांटम। देखो ये क्वांटम जो वर्ड है वो हमारे पास बना है क्वांटा से। हिंदी में बोलूं तो क्वांटा, क्वांटा से ये वर्ड बना है, क्वांटम जो है वो क्वांटा से बना हुआ है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रकाश जो होता है उसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है ना। और उन्हीं में से एक वर्ड है जो प्लैंक ने बताया था। उन्होंने ये कहा था कि जो प्रकाश हमारे पास होता है वो किसी भी फॉर्म में नहीं होता है, उनको हम क्या करते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। उन पैकेट्स को ही हम क्वांटा बोलते हैं। और जितने भी आपने प्रोसेस पढ़े, देखो ये रेडिएशन है, ये मतलब ऊर्जा से रिलेटेड है, तो इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन क्वांटा से रिलेटेड चीज़ों का हम अध्ययन इस मैकेनिज्म में कर रहे हैं। और इन्हीं ये जो मैकेनिज्म है ये हमें इन सब के बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, क्वांटम के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन ये हमें देगी। ये हमारी न्यू वन है, ये हमें मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाई थी उन सब के एक्सप्लेनेशन हमें क्वांटम मैकेनिक्स देती है, ठीक है ना। और इसमें एनर्जी के जो यूनिट है उसको क्वांटम माना है, इसीलिए इसका नाम क्वांटम रखा गया, ठीक है ना। और ये पूरा जो ये चीज़ें हैं वो ये तो नहीं बता पाई थी, ये मैकेनिज्म इसको नहीं बता पाई थी, बट ये क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें इन सब के एक्सप्लेनेशन दे दिए, ठीक है ना। अब हम सिलेबस के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला है वो देखिए द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, ठीक है ना। देखो कृष्णिका विकिरण जो भी डिटेल है स्लाइड पे देखने से पहले हम लोग एक बार बोर्ड पे मैं आपको समझा दूं कि ये चीज़ें क्या होती है और ये क्यों काम आती है, ये सब चीज़ें हम देख लेते एक बार। देखो आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जिसे हम कह देते हैं कृष्णिका विकिरण, ठीक है ना। हिंदी में हम कैसे कहते हैं, देखो जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहली बात तो ये होता क्या है। देखो कुछ साइंटिस्ट आए थे, अभी हम उन सबके नाम देख लेंगे कौन कौन थे और किसने क्या क्या कह दिया। देखो क्या होता है कि ऐसा होता है कि इन्होंने ना कृष्णिका विकिरण पहली चीज़ होती क्या है, देखो ये एक प्रकार का ना एक गोला है, ठीक है ना, एक प्रकार का एक गोला है। देखना क्या होता है, वैसे इसको गोले को भी समझने से पहले आप लोग एक चीज़ समझो कि जैसे कि मेरे पास पेन है ना, ये मेरा पेन है और इसके ऊपर कोई सरफेस है ना। अगर मैं इसे जो ऊर्जा इसे दे रही हूँ, है ना, जो भी ऊर्जा मैं इसे दे रही हूँ वो इसे क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, ऊर्जा को। मतलब मैंने ये कहा कि ये हमारे पास एक पेपर है ना, कुछ भी है, मतलब पेपर है, ब्लैक होल होता है वैसे इस तरीके से कुछ भी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ इसे मैंने जो ऊर्जा दी है, ऊर्जा जो मैंने दी है वो इसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली। इस अवशोषित ऊर्जा को इसने क्या कर लिया, ले लिया इसके अंदर, अब ये ऊर्जा युक्त हो गया। अब क्या करूँगी मैं, जब इसे गर्म करूँगी, गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर ये ऊष्मा को वापस बाहर निकालना शुरू करेगा, वापस जो इसने अवशोषित की थी उसी ऊष्मा को बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसको मैं कह देती हूँ इमिटेड, बाहर निकलने वाली ऊर्जा को मैं कह देती हूँ इमिटेड एनर्जी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई यंत्र जिसमें ये ए जितना अवशोषित हुआ है वो, और ये जो ई जो पूरा बाहर निकला है वो, उन दोनों के मान बराबर होते हैं, मतलब ए इक्वल्स टू ई होता है, एक वस्तु जब भी ई होता है तो इसे हम कह देते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब आप साधारण से शब्दों में समझो कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो जितनी ऊर्जा को अवशोषित करता है, जितनी भी एनर्जी को अवशोषित अपने अंदर करता है, जितना एब्जॉर्प्शन उसके अंदर होता है उतनी को ही अगर वो बाहर निकाल देता है, उतनी को ही अगर वो बाहर निकाल देता है गर्म करने के बाद, मतलब जितनी ली थी, ए और ई का मान जिनके लिए बराबर हो जाता है, तो उस यंत्र को या उस तंत्र को हम कह देते हैं आइडियल कृष्णिका, उसे हम कहते हैं कृष्णिका कह देते हैं, या फिर ब्लैक बॉडी हम उसे कह देते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस यंत्र को, ये यंत्र दिखता कैसा है, इसका डायग्राम देखना एक बार।
देखो ये चीज़ है, इसे कहते हैं हम कृष्णिका, जिसे हम यहाँ पे कह देते हैं ब्लैक बॉडी। देखो इसके अंदर होता क्या है, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले जो ये जो पोर्शन है, इसे हम देखो यहाँ पे आप लोगों को दो शंकु दिख रहे होंगे। पहला शंकु तो ये वाला है हमारे पास, ठीक है ना, पहला शंकु तो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये एक पोर है ना, एक छिद्र है यहाँ पे बना हुआ, ये एक छिद्र है हमारे पास बना हुआ, ठीक है ना, ये एक छिद्र है या फिर मैं इसे कह दूं पोर है, ये है ना हमारे पास। और ये एक क्या है, शंकु है, कौन कह दूं जिसे मैं। देखो इसके अंदर ये जो सरफेस है ना, अंदर की ये जो सरफेस है ये पूरी, इसे मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया। मतलब इसके ऊपर कोई एलिमेंट लगाया है जो बहुत ब्लैक कलर का है ना, इसको मैंने पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया है अंदर से। देखो अब इसको ब्लैक करने से क्या होगा, अगर आप लोगों ने ना एक सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, आप लोगों को कहा जाता है कि गर्मी के टाइम पे काले कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए। क्यों नहीं जाने चाहिए देखना, क्योंकि देखो जब भी काले कपड़े आप पहनोगे तो काले कपड़े जो होते हैं ना, वो जितने भी प्रकार की जो ऊर्जा होती है, जितने भी प्रकार की एनर्जी होती है, सूरज से हमें जितनी भी विकिरण मिल रही है उन सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब काला कपड़ा उस रंग को एब्जॉर्ब करेगा, तो काला कपड़ा उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब आप सारी उष्मा आपके अंदर जा रही है, आपके बॉडी पे जा रही है, तो आपको गर्मी लगेगी। तो यही चीज़ है, वैसे ही यहाँ पे क्या किया, ब्लैक कलर कर दिया। क्यों, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा हम इसे अब देंगे, जितनी भी रेडिएशन हम इसे देंगे, वो सारी क्या हो जाए, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना। तो देखो क्या हो सकती है संभावनाएं, देखना मैंने एक लाइट ली है, लाइट को मैं यहाँ से डाल रही हूँ अंदर, ठीक है ना, ये लाइट है जिसको मैं यहाँ से अंदर डाल रही हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं लाइट को इसके अंदर डालूंगी, तो आप एक बार इमेजिन करो कि मैंने ये शंकु यहाँ नहीं बना रखा, ठीक है ना। अगर ये शंकु मैंने यहाँ नहीं बना रखा तो क्या होगा, ये इसे टकराएगी, ठीक है ना, यहाँ से टकराएगी, और टकराने के बाद वापस सीधी बाहर निकल जाएगी, है ना। हो सकता है बहुत सारी ऐसी भी होगी जो यहाँ जाएगी, जो बहुत सारी ऐसी भी होगी जो यहाँ चली जाएगी, बहुत सारी यहाँ चली जाएगी, सब वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा है जो यहाँ टकराने के बाद तुरंत इस होल से हमें बाहर निकलता हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, हमें तो जितना हमने दिया है सारा को एब्जॉर्ब करवाना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हमने शंकु बना दिया है ब्लैक कलर का। अभी शंकु के बनने से क्या होगा, देखो क्या होगा, जैसे ही कोई भी चीज़ इससे टकराएगी, है ना, माना यहाँ टकराई है ना, यहाँ टकराने के बाद वो रिटर्न होकर नहीं जाएगी, वो क्या होगा, किसी ना किसी एंगल से वो यहाँ चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, उसकी इसी प्रकार से और एनर्जी आई, वो यहाँ टकराई, फिर यहाँ जाके एब्जॉर्ब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी रेडिएशन मैंने दी है वो इस पूरी सरफेस पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो एब्जॉर्ब हो गई, है ना, तो मतलब हमने पहला चीज़ तो कर ली, ये वाली जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली एब्जॉर्प्शन की चीज़, तो एब्जॉर्प्शन की चीज़ तो अब हमारे पास हो चुकी है ना, ये एब्जॉर्प्शन हमारे पास हो गया है। अब एब्जॉर्ब हो जाने के बाद अवशोषण हो चुका है हमारे पास, अवशोषण या फिर कह दूं मैं जिसे, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड जो हमें कृष्णिका मिल गई है, हमने क्या किया, इसे गर्म कर दिया, इसे एब्जॉर्ब्ड कृष्णिका को हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर देखना क्या होगा, ये जितनी भी ऊर्जा इसने ली थी, वो वापस बाहर जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जितनी भी ऊर्जा इसने ली थी वो सारी के सारी इस तरीके से बाहर जानी शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार की कृष्णिका है, इसने जितनी ऊर्जा को अवशोषित किया उतनी को ही इसने बाहर निकाल दिया, उतनी को ही इसने इमिट कर दिया। इसका मतलब यही हुआ कि एक प्रकार से हमें क्या मिल गया, ए और ई का जो मान है, ए बराबर अगर ई लिख दूं तो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ए बाय ई हमें क्या मिल गया, एक मिल गया, जिसे मैं कह सकती हूं इकाई या फिर जिसे मैं कह सकती हूं यूनिटी, ठीक है ना, जिसे मैं कह सकती हूँ यूनिटी मैं कह सकती हूँ, ये हमें मिल गया, ठीक है ना। तो यही मतलब है कि एक आदर्श कृष्णिका कुछ भी नहीं होती है, एक ऐसा तंत्र है गोल कलर का, गोल है जिसके अंदर दो छेद, एक छेद है, एक शंकु है, ऊर्जा दी जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाने के बाद गर्म करने पर वापस बाहर निकल जाती है, मतलब ए और ई का मान बराबर होता है और ए बाई हमें यूनिटी मिल जाती है, इकाई हमें मिल जाती है। ये ही हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान देने की चीज़ें ये है कि जो ये शंकु लगाया गया है, ये तो देखना, एक अंदर की चीज़ों को मिटा देती हूँ एक बार,
कुछ चीज़ें हैं जो तथ्य है, जो याद करने की चीज़ें हैं, वो ये है, देखना ध्यान रखना, ये एक गोला दिख गया, गोले का सेंटर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इस गोले से यहाँ तक की दूरी को अगर मैं बोलूँ, ठीक है ना, इस गोले से यहाँ तक की दूरी को मैं बोलूँ, तो ये इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद ये भी एक गोला दिख रहा है, खोखला है तो ये अंदर गोला है। इस गोले की त्रिज्या की अगर मैं बात करूँ तो ये है स्मॉल आर, ठीक है ना। तो देखो, ये कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कृष्णिका को बनाएंगे, या फिर जब भी एक आइडियल कृष्णिका अगर आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो आर है ये, और ये जो आर है स्मॉल आर, इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स 20 टाइम्स। मतलब ये कि ये जो आर है ये इस, ये वाली जो आर है ये इस आर से 20 गुना होनी चाहिए, मतलब इसकी इसकी मात्रा इससे 20 गुना होनी चाहिए, समझे आप लोग। तो ये हमारे पास एक आदर्श कृष्णिका है जिसके लिए ए और ए का मान बराबर होता है। अब इसके लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो किया गया था वो देख लेते एक बार। देखो क्या हो रहा है, कृष्णिका विकिरण लूमर तथा प्रक्षिम 1894 ने विभिन्न तापों पर कृष्णिकाओं के उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य वितरण का अध्ययन किया। विकिरणों के वितरण की तुलना गैसों के अणुओं के वितरण चक्र से की जा सकती है। इस वक्र के अभिलाक्षणिक गुण निम्न प्रकार से है। देखो एक ग्राफ है, ग्राफ दिया गया है लूमर और प्रिस्टिंशिन के द्वारा, और इन्होंने 1897 में ये दिया था। और इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने क्या किया है कि द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडिएशन कैन बी कंपेयर्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। द कैरेक्टर्स ऑफ दिस कर्व्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट है, ईच कर्व हैज फॉलोइंग वेवलेंथ फॉर हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी। सेकेंड है, दीज आर मोर population in the energy spectrum curves of the black body at different temperature. At any move, the higher ones migrate to shorter wavelength. At the area between the heat curve and the wavelength axis represents the total amount of energy emitted at that temperature. This area increases with increased temperature and is proportional to 4 times of heat which provide the Tuthoff-Stevens law. देखो प्रत्येक वक्र में ऊर्जा के अधिकतम मान के लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। देखो ये ना पॉइंट के वाइज चलते हैं हम। देखो सबसे पहली बात तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट है ना, मतलब ये माना कि ये एक वेवलेंथ है, यहाँ वेवलेंथ जा रही है, यहाँ पे क्या जा रही है, इंटेंसिटी कह लो, एनर्जी कह लो, तापमान कह लो, क्योंकि यहाँ पे तापमान ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक जैसे ही रहते हैं ना। अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक ये निश्चित ले लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट फिक्स ले लिया। इस पॉइंट पर आपने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक बार 1.5 के लिए बात कर लेते हैं हम, 0.5 के लिए एक बार अपने एक टेम्परेचर पे देखा तो 3000 पे देख लिया, एक बार 4000 पे देख लिया, एक बार 5000 पे देख लिया, तो क्या हो गया, देखो एक निश्चित वेवलेंथ पर, एक निश्चित एक फिक्स वेवलेंथ पर हमें क्या मिल गया है, एक एनर्जी सबके लिए अलग अलग मिल गई है, समझे आप लोग। मतलब जैसे जैसे आप लोग वेवलेंथ चेंज करते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी का मान भी चेंज होता जा रहा है ना। तो देखो यही कह रहा है, प्रत्येक वक्र में ऊर्जा के उच्चतम मान के लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। मतलब ये कि इस वक्र के लिए जो उच्चतम मान है उसके लिए एक निश्चित वेव मिल गई, ये जो है इसके लिए निश्चित मिल गई, इसके लिए यहाँ थोड़ी मिल गई, मतलब खिसकती हुई मिल रही है, एक अलग अलग मान हमें मिलते जाएंगे, ठीक है ना। देखो आप लोग सोचोगे लूमर और प्रिस्टिंस ने किया क्या, इन्होंने ये किया कि ये जो हम इमिशन कर रहे हैं, उत्सर्जन जब हम कर रहे हैं ना, जब हम इसको मतलब एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जब हम उसको कृष्णिका को गर्म करके उसको बाहर निकाल रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने तरंग दैर्ध्य में जो जो परिवर्तन हुए ना उनका अध्ययन किया, विभिन्न तापमानों पर अध्ययन किया। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि हम कृष्णिका को एक ही ताप से गर्म करें, मे बी हो सकता है हम उसको अलग अलग ताप से करें। देखो एक बार देखना क्या समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। देखो मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना, सबसे पहले अवशोषण हो गया, ठीक है, अवशोषण के बाद गर्म करने पर इमिशन हो गया, ठीक है। अब ये जो तापमान है, ये जो तापमान मैं ले रही हूँ, इसको मैं ले सकती हूँ 50 केल्विन भी ले सकती हूँ, 1000 केल्विन भी ले सकती हूँ, 1500 केल्विन भी, 1500 केल्विन भी ले सकती हूँ, 3000 केल्विन भी ले सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये यही किया इन्होंने, प्रेशर्स और लूमर जो थे उन्होंने इस कृष्णिका को अलग अलग ताप पर गर्म कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें क्या दे दिए, डाटा दे दिए, पॉइंट्स दे दिए, जो पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, और पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट्स के बेसिस पे हमें क्या बना दिया, एक इस तरीके का एक ग्राफ बना दिया जो आपको पीपीटी में मैं दिखा रही हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें इन्होंने की क्या किया कि अलग अलग टेम्परेचर पे कृष्णिका को गर्म कर दिया, गर्म अलग अलग टेम्परेचर पे किया है तो तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग मिलेगी हमें, एनर्जी के अकॉर्डिंग इक्वल स्ट्रेच में उसे हमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए, डाटा दे दिया, और उसी के बेसिस पे इन्होंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। पॉइंट्स को हम रीड आउट कर लेते हैं और ग्राफ से समझा देते हैं, पीपीटी में देख लो एक बार।
देखो सेकंड है, ये उच्चिष्ट ऊंचे तापमान वक्रों से अधिक स्पष्ट है। देखो नीचे नीचे देखो, ये जो ग्राफ है ये देखो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा तापमान वाला ग्राफ है, वो एकदम क्लियरली मिल रहा है ना, क्योंकि ये देखो आपके इसको क्लियर देख सकते हो, एक बार कहीं कॉन्स्टेंट लाइन आ रही है इस तरीके से, तो ये इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा, जबकि ये बहुत क्लियर ग्राफ हमें मिल रहा है, यू बनता हुआ है ना, उल्टा मतलब पैराबोला बनता हुआ हमें अच्छा सा मिल रहा है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उच्चिष्ट कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है। देखो इस पॉइंट को देखो, इसके अंदर तापमान बढ़ गया, देखो ये रेड वाली सबसे कम तापमान की, तो इसका पॉइंट हमें यहाँ मिला है ना, यहाँ मिला है इस पॉइंट पे मानो, है ना। देखो ये जो है इसका इसका हमें मिल गया, ये मिल गया, ठीक है ना, ये वाला इसका हाइएस्ट मिल गया। इसकी बात करूँ तो ये वाला मेरे को मिल गया, सॉरी ये वाला मेरे को मिल गया, इस तरफ मिल गया, ठीक है ना। और इसकी बात करूँ तो ये और भी ज़्यादा एकदम सीधी लाइन अगर मैं खींचने जाऊँगी तो इस तरीके से मिल गया, मतलब करीबन यहाँ करके यहाँ का ही मिल गया है ना मेरे को, ये सीधी लाइन अगर मैं खींचूँगी तो मेरे को इस तरीके से मिल गया। मतलब क्या देख रहे हो आप लोग, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तापमान, ये जो तापमान हाइएस्ट टेम्परेचर है, इसके लिए जो वेवलेंथ है वो हमें क्या मिलती हुई मिल रही है, इस तरफ खिसकती हुई हमें वेवलेंथ मिल रही है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसी ताप वक्र और तरंग दैर्ध्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल उस तापमान उत्सर्जित ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को दर्शाता है। इसका मतलब ये देखो क्या है, ये जो कर्व दिख रहा है, देखो ये जितना भी एरिया कवर हो रहा है ना, ये जितना भी उस कृष्णिका के द्वारा, ये मतलब जैसे ये 5000 की बात करो बहुत अच्छे से क्लियर है, तो ये जो जितना भी एरिया ना, ये पूरा जितना एरिया, ये पूरा जितना कर्व के अंदर का जितना भी एरिया ना, ये सारा क्या कर रहा है हमें, ये सारा हमें ये शो कर रहा है कि कितनी ऊर्जा इस पूरे तंत्र ने हमें दे दी है ना। ये बात हो गई है, ये कृष्णी का विकिरण थी हमारे पास, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, क्लियरली बात है, एक तंत्र है जो जितनी ऊर्जा दे रहा है उतनी ले रहा है, उसके बाद उतनी ही इमिट कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर जिसे मैं कह सकती हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। देखो इसके अंदर क्या होता है, इन 1887 में हर्ट्ज ने पाया कि जब प्रकाश धातु के स्वच्छ तल पर गिरती है तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यह दृश्य तथा पराबैंगनी प्रकाश की कोई निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश दंड धातु जैसे जिंक सीजियम सिलिकॉन इत्यादि की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर अगर देखो अब एक बार आप ढंग से इसे बोर्ड पे समझ लो, एक बार पीपीटी में रीड आउट कर लेंगे उसे भी। देखो अभी हम जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर जिसे मैं कह दूं प्रकाश विद्युत प्रभाव। कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो क्या होता है, ये क्या है, हमारे पास धातु है ना, धातु का सरफेस है, धातु की परत है, या फिर मैं कह दूं मेटल सरफेस है, ठीक है। जैसे ही मैं इस मेटल सरफेस पे किसी फोटोन को डालती हूं, फोटोन मतलब एनर्जी, मैं आपको बता चुकी हूँ एनर्जी की यूनिट होती है फोटोन। फोटोन को मैं जैसे ही डालती हूँ तो आपको धातुओं के बारे में पता होगा, धातुओं के बृहत्तम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं धातु के बृहत्तम कोश में, तो जैसे ही ऊर्जा मिलेगी तो क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, एनर्जी में ऊर्जा आ जाएगी, और ऊर्जा की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चले जाएंगे। दैट इज ओनली एंड ओनली प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना। बस मेन चीज़ जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की यही है कि जब आप किसी धातु सरफेस पर या किसी मेटल सरफेस पर आप फोटोन डालते हो तो उस फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करते इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है, कुछ तो धातु भी है, कहने का मतलब ये है कि अब ये ऊर्जा, इस ऊर्जा का भी कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है ना।
भाई देखो हर इंसान को गुस्सा आता है, ठीक है ना, तो हर इंसान का एक टेम्पर होता है ना, मतलब कि भाई वो उस हद तक गालियाँ सुन सकता है, कोई एक लाइन में गुस्सा कर जाएगा, कोई 10 लाइन में गुस्सा करेगा, कोई हजारों में भी नहीं करेगा और कभी करेगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो देखो ये वही है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ तो कम फोटोन पर भी इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे, मतलब एक निश्चित ऊर्जा है, एक निश्चित ऊर्जा होती है जिस पर या तो इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे। तो वही बात है कि हर धातु सरफेस से, हर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है ना, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो हर के लिए अलग अलग रहती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अधातु जो रहते हैं ना, अधातु उसमें भी क्या होता है कि जब आप ये फोटोन दो ना उचित ऊर्जा का, अधिक ऊर्जा का, तो वो भी इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली, मेटल्स के नाम आप लोगों ने पढ़ लिए है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये डायग्राम है, लाइट रेज हमने डाली थी इसके अंदर। देखो ये लाइट रेज आ रही है, ये लाइट आ रही है ना, ये गई यहाँ पे मेटल सरफेस। मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन इमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है ना। देखो ये राया में लिख रखा है इलेक्ट्रॉन इमिशन, ये देखो इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिल गया, बाहर मिलते हुए निकलते हुए मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम कि प्रकाश की क्रिया से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के संबंध में निम्न निम्न बातें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, जो पहला पॉइंट है, जैसे जैसे धातु के तल से प्रकाश पड़ता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते जाते हैं, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रवाह तात्क्षणिक होता है। देखो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इंग्लिश वाले देख लो, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस कह लो या स्पॉन्टेनियस कह लो, ये वो प्रोसेस है। इसका मतलब ये कि जैसे ही, इसका मतलब ये कि जैसे ही ये गिरा तुरंत के तुरंत निकलेगा। ऐसा नहीं कि आज ऊर्जा दी है कल तक का वेट करेगा, कि ऐसे होते ना कुछ लोग, ऐसे होते देखा होगा आप लोगों ने कि ना गुस्सा तो उन्हें आ जाए आपकी बात पे, लेकिन उन्होंने आज तो आपको बोला नहीं, मतलब मुझ जैसे लोग है ना, वो आज तो आपको बोलने आए नहीं कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे, है ना। वो क्या करेंगे पता है, वो पूरा 2400 घंटे उस बारे में सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके फिर गुस्सा करने आपके पास अगले दिन आएंगे। तो देखो ये वो इंसान नहीं है, ये कैसे इंसान है पता है, कि आपने तुझे एक गाली दी है मैंने, तो वो तुरंत तुम्हें रिटर्न में सुना देगा, तुम्हें बोल देगा। तो ऐसा है कि ये जो प्रोसेस है वो तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है, तुरंत होने वाली चीज है ना, तुरंत हो जाता है ऐसा। सेकंड साइड पे देखते, सेकंड पॉइंट, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तथा प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन का इलेक्ट्रॉन के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है एक निश्चित, इंग्लिश में पढ़ती जाती हूं साथ में, द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड इट इफ द चेंज एंड लाइट इंटेंसिटी डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फोटोन ऑफ लेस देन सर्टेन फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट इज अनेबल टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, द फिक्स फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। देखो थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, हम देखते हैं कि मैंने आपको कहा कि हर मेटल के लिए एक निश्चित ऊर्जा का मान होता है, फिक्स एनर्जी होती है ना, निश्चित ऊर्जा, या फिर मैं कह लूँ फिक्स एनर्जी का मान होता है। उसी के बाद मैंने आपको बता दिया, ये एग्जांपल देके बताया था कि किसी इंसान को जल्दी गुस्सा आता है, किसको नहीं आता है, तो वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो धातु सरफेस को दी जा रही है ना, तभी के बाद उसका म्यू नॉट, जिसे हमने नाम दिया है फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को, म्यू नॉट नाम मैंने दे दिया है, न्यू नोड है ना, तो ये एनर्जी मिलने के बाद ही इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये इस ऊर्जा को, जो मिनिमम ऊर्जा जो है ना, जो किसी भी इंसान को गुस्सा दिलाने के लिए और यहाँ के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, या फिर दहली ऊर्जा हम उसे कह देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल मैंने आपको ये बात बता दी है कि धातु की प्रकृति पर निर्भर कर रही है, जिस धातु के अकॉर्डिंग वेरी करेगा मान। सिक्स है, धातु के पट्टी के चारों ओर उपस्थित गैस का, मतलब गैस का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निर्वात में भी इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते रहते हैं। मतलब ये कि अगर आप धातु की, ये जो ये एक्सपेरिमेंट जो मैं कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन के मतलब वो धातु के ऊपर एनर्जी डाल रही हूँ, अगर ये मैं वैक्यूम में करूँ तो भी ये प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब आसपास के एनवायरनमेंट का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी विशेष धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने हेतु एक विशेष प्रकार की ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, दहली ऊर्जा जिसे कह रहे हैं हम, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये रहा, देखो क्या है ये ग्राफ, हमें दहली ऊर्जा बताने के लिए बनाया गया है। देखो सबसे पहले तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास, ठीक है ना, ये फ्रिक्वेंसी है ना। देखो क्या है, हमने ये ऊर्जा देते गए, लेकिन जब तक कि ये निश्चित पॉइंट, देखो ये देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला पॉइंट हमें नहीं मिला,
मतलब हमने दहली ऊर्जा से जितनी कम ज्यादा आवृत्ति जब तक हमने नहीं दी ना, तब तक हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हुए नहीं मिले। समझे आप लोग, कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता हुआ हमें मिला। लेकिन लेकिन जैसे ही इस ऊर्जा तक पहुंच गया, मतलब जैसे ही ऊर्जा हमें ज्यादा दे दी, मतलब देखो माना कि किसी के लिए दहली ऊर्जा का मान 4.8 समथिंग था, है ना, तो 4.8 के आसपास तक तो मतलब तक हमने जब तक मतलब जब हमने 3 दिन शुरू किया नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, 4.2 तक भी नहीं हुआ, लेकिन 4.8 तक होते ही क्या होने लग गया, इलेक्ट्रॉन का इमिशन इंक्रीज होता गया। समझे आप लोग, मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे हो गया, इंक्रीज होता जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। अब एक बार इसके लास्ट जो है हमारा, एक बार इसकी वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखो ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है ना, इसके ऊपर मैंने फोटोन डाल दिए। फोटोन वैसे सीधे सीधे नहीं जाते, देखो ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए जाते हैं नाचते हुए, है ना, ये जा रहे हैं, है ना, ये क्या दिया है मैंने इनको, फोटोन, या कह लूँ फोटोन ही कह लूँ मैं, ऊर्जा दी है इन्हें, एनर्जी दी है मैंने, ERGI, एनर्जी ऊर्जा मैंने इसे दे दी, है ना। ऊर्जा E=H में होती है, एच म्यू मैंने इसे ऊर्जा दे दी, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, इक्वल टू एच म्यू, जैसे ही मैंने ऊर्जा दी तो मैंने कहा कि एक निश्चित ऊर्जा के मान के पहले तक तो ये कुछ भी नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, मतलब तब तक क्या हो रहा है, जैसे मैंने 3 दी 4 दी 5 दी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ही 4.8 दी, मतलब 4.8 क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करेगी यहाँ से निकलने के लिए, कि भाई तू निकल यहाँ से, है ना। तो इसका मतलब ये जो और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, फिर और ज़्यादा ऊष्मा, जब दहली ऊष्मा से ज़्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये क्या मिलेगा, एच न्यू डैश के साथ हमें बाहर निकलता हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि जो दी गई ऊर्जा है वो दो कामों में काम आई, दी हुई जो ऊर्जा है वो दो कामों में काम आई, एक तो दहली ऊर्जा को पूरा करने में, एक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाने में काम आई, ठीक है ना। तो देखो एच न्यू मतलब दी गई जो ऊष्मा है वो किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, दहली ऊर्जा के, जिसे दहली ऊर्जा को हम बोल देते हैं फाई बोलते हैं दहली ऊर्जा को, ठीक है ना। दहली ऊर्जा के काम आ गए, एक तो फाई के काम आ गए, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट देने के, ये इलेक्ट्रॉन भाई भाग रहे हैं, मूवमेंट के लिए कौन सी, गति के लिए कौन सी ऊर्जा रिस्पॉन्सिबल होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखते हैं 1/2 mv², है ना। तो मतलब दो कामों में काम है, एक तो दहली ऊर्जा कंप्लीट करने में और एक काइनेटिक एनर्जी देने में। तो दहली ऊर्जा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दहली ऊर्जा है फाई हमारी, और मूवमेंट के लिए 1/2 mv² के हमारे पास ये काम आ गई, है ना। फाई का मान हम बताऊं, फाई के मान होता है हमारे पास एच म्यू बराबर हो जाएगा, फाई का मान होता है एच म्यू डैश हो जाता है, ठीक है ना, प्लस मूवमेंट के लिए 1/2 mv² हो जाएगी, मतलब दी गई जो ऊर्जा है वो हमें ये इसके बराबर हमें मिल जाएगी। समझे आप लोग, किस कामों में मिल रही है, एक तो दहली ऊर्जा को कंप्लीट करने में और एक मूवमेंट देने के लिए हमारे पास आ रही है ना। उसके बाद एक देखो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ में ये देखो ये हमारा ऊर्जा है यहाँ पे, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, दहली ऊर्जा या दहली फ्रिक्वेंसी कह लूँ, उससे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, और जैसे ही हमने किया है तो देखो एकदम से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो गए हैं, है ना। देखो आज का जो बुक्स, जो आज मैंने रेफरेंस लिया है वो बुक्स का ये है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री B.R. पुरी शर्मा एंड M.S. पिठानिया, सेकेंड है टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री A.S. नेगी एंड S.C. आनंद, थर्ड है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कुंदू एंड जैन, फोर्थ है द फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी एजुकेशन है सुरेश आमेटा R.C. खंडेलवाल एंड R. आमेटा N.J. वर्धिया। आई थिंक आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच।